तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पे मैं आपको तरह तरह की नौकरियों के बारे में बताता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एनडीए फर्स्ट एग्जामिनेशन 2020 की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एनडीए वन रिक्रूटमेंट 2020 की। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एग्जाम का नाम जो पूरा नाम है वो है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, जिसको नाम दिया गया है शॉर्ट में एनडीए वन एग्जाम 2020। तो जो इसमें इस बार वैकेंसी होने वाली है वो है 418। तो इसमें जो वैकेंसी किस तरह डिवाइड है चलिए मैं आपको बताता हूँ। एनडीए विंग में जो आर्मी का विंग है जो एनडीए में, उसमें वैकेंसी है 208, नेवी में है 42, एयरफोर्स और इसमें ग्राउंड ड्यूटीज भी इंक्लूडेड है उसमें वैकेंसीज हैं 120। तो ये आपकी टोटल मिला के हुई 370। इसी के साथ साथ नेवल एकेडमी 10+2 एंट्री स्कीम में वैकेंसी हैं 48। तो टोटल आपकी वैकेंसी हुई 418। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आर्मी के लिए आपके पास होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है 12वीं पास या इसके इक्विवेलेंट। इसके अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एयरफोर्स और नेवी विंग में, चाहे वो एनडीए की नेवी हो चाहे वो एनए की नेवी हो, तो उसमें आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए 12वीं में, या फिर 12वीं के इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो इसमें एज लिमिट इस बार होने वाली है वो है आपकी 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में जो भी लोग पैदा हुए हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और वो इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं वो ये है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर 2020 में आप 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो आप भी इस नौकरी को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते 24 दिसंबर 2020 से पहले पहले आपको प्रूफ करना होगा कि आपने 12वीं का एग्जाम क्लियर कर दिया है। जी हाँ, जो तारीख है वो आपकी 24 दिसंबर 2020। इसी के साथ साथ अगर अगले साल आप 11th का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस नौकरी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आप 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं अगले साल तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप 11वीं का एग्जाम दे रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं तो 24 दिसंबर 2020 से पहले पहले आपको सबमिट करना होगा प्रूफ कि आपने 12वीं का एग्जाम क्लियर कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की, वो है आपका एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन पैटर्न इसमें कैसा होने वाला है चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो आपका होने वाला है उसमें आपके होंगे दो पेपर, दोनों ही पेपर आपके होंगे 2.5-2.5 घंटे के। जो आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा मैथमेटिक्स का, और जो इसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 300। तो चलिए जान लेते हैं कि मैथ्स के इस पेपर में किस तरह के सवाल आएंगे। तो मैथ्स के इस पेपर में आएंगे सवाल एलजेब्रा से जुड़े, अर्थ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से जुड़े, ट्रिग्नोमेट्री आएगी इसमें, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन आएगा, इसके अलावा डिफरेंशियल कैलकुलस आएगी, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़े सवाल आएंगे, इसी के साथ साथ वेक्टर एलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से जुड़े सवाल आएंगे। इसके अलावा आपका होगा पेपर टू भी जैसे मैंने आपको बताया वो है 2.5 घंटे का, और जो उसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 600। पेपर टू जो आपका है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा है इंग्लिश का जिसके लिए मार्क्स हैं 200, उसमें सवाल आएंगे ग्रामर वोकैबुलरी यूजेज ऑफ इंग्लिश से जुड़े। तो सेकेंड सेक्शन है वो आपका होगा 400 मार्क्स का और उसका नाम है जर्नल नॉलेज, और इसमें जो आपके सेक्शंस होने वाले वो होंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स, तो इनसे जुड़े सवाल इसमें आएंगे। तो जो आपका सेकंड पेपर है वो है आपका 600 मार्क्स का, जो पहला पेपर है मैथमेटिक्स का वो है 300 मार्क्स का। तो टोटल मिला के आपके हुए 900 मार्क्स रिटर्न टेस्ट में। जब आप रिटर्न टेस्ट क्लियर करेंगे तो आपका होगा इंटरव्यू भी आपका 900 मार्क्स का, और इंटरव्यू भी आपका स्टेज वन और स्टेज टू में डिवाइडेड है। स्टेज वन में आपका होगा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, इसको OIR भी कहते हैं, और ये जो बेस होगा वो आपका बेस होगा पिक्चर परफेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो जब आप इस टेस्ट को देंगे तो उसके बाद आपकी जो कैंडिडेट की है वो लिस्ट शॉर्टलिस्ट की जाएगी, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो भाग लेंगे स्टेज दो में। स्टेज दो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका होगा इंटरव्यू, इसके अलावा इसमें आपका होगा ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टेस्ट, इसके अलावा इसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट भी होगा। तो आप जब इस सबको क्लियर करेंगे तो इसमें एक मेडिकल टेस्ट भी है। तो मेडिकल टेस्ट के लिए क्या बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको वीडियो में नहीं बताता हूँ। इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऑफिशियल लिंक दिया है, हिंदी में भी वो लिंक है, अंग्रेजी में भी वो लिंक है, जिस भाषा में आप चाहें उस भाषा में आप उसे खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इसी के साथ साथ जो इसमें फीस होने वाली है वो है जनरल और ओबीसी के लिए फीस है 100 रुपये, एससी एसटी के लिए इसमें किसी भी तरह की फीस
नहीं है। इस एप्लीकेशन की स्टार्ट होने की डेट है 8 जनवरी 2020, यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है आपकी 28 जनवरी 2020। इसी के साथ साथ जो आपका एग्जाम होने वाला है वो है आपका 19 अप्रैल 2020 को। तो समय काफ़ी कम बचा है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खोलिए वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, मैंने आपको दोनों भाषाओं में दिया है, इंग्लिश और हिंदी, जिस भाषा में आपको खोलना है उस भाषा में आप खोल सकते हैं और सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको अप्लाई नाउ का लिंक भी दिया है, अप्लाई नाउ के लिंक को खोल के आप ये जो एग्जाम है उसके लिए सीधा अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज का वीडियो आया पसंद तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि मैं आपके लिए नौकरियों के नए नए वीडियो लाता रहूं। इसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर और फेसबुक पर भी, फेसबुक और ट्विटर पर मेरी आईडी है jobexpress1, वहां पर जो मुझे फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा है कि मैं इन वीडियोस के अलावा काफी सारी नौकरियों की जानकारी और भी वहां पे पोस्ट करता रहता हूं, तो आपको वो जानकारी सीधे मिल सकती है। आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।